उत्तर प्रदेश आगरा के जिला जेल के अंदर कैदियों पर अत्याचार और भ्रष्टाचार की पोल एक बार फिर उजागर हुई है। सेना में अपने जज्बे और हौसले से बुलंद देश की सेवा करने वाले पूर्व फौजी रामनाथ सिंह सिकरवार का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो जेल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है। खैरागढ़ का रहने वाला पूर्व फौजी रामनाथ सिंह सिकरवार किसी मामले में जिला जेल गया। जिला जेल के अंदर बैरक नंबर 9 के अंदर पूर्व फौजी से कैदियों और जेल प्रशासन की मिली भगत से जब पैसे की डिमांड की गई तो पूर्व फौजी अपने वीडियो में बताता है कि किस तरीके से जेल के अंदर जिला प्रशासन की मिली भगत से अत्याचार किया जाता है। यहाँ आने वाले कैदियों से 3,000 से 5,000 रुपये वसूले जाते हैं, जो पैसा नहीं देता उनकी झाड़ू से पिटाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की कई जिलों की जेल में ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें कुख्यात अपराधी जेल के अंदर सेल्फी खींचते हुए मिले, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते मिले और आज फिर पूर्व फौजी रामनाथ सिंह सिकरवार का वीडियो वायरल होने के बाद आगरा की जिला जेल के अंदर पोल खुल गई है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। पूर्व फौजी ने कैदियों पर अत्याचार की कहानी बयां करके इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लोगों के साथ मांगा है। साथ ही सियासत के उन राजनेताओं से भी गुजारिश की है जो लोग अपना मतदान कर नेताओं को विधायक सांसद और ऊंची कुर्सियों पर बिठाते हैं। ये वीडियो पूरे शहर में वायरल हो रहा है। नहीं दूंगा, अंडर ट्रायल जेल में आया हूं, कोई सजा याफ्ता कैदी नहीं हूं मैं यहां पर। जब ये बात मैंने कही तो उनको गवारा नहीं लगी, बोला यहां ऐसा ही चलता है। मैंने कि चवन्नी नहीं दूंगा। इतने पे मेरे उनके बीच में हॉट टॉक शुरू हो गई और वहां से 4 कैदी और पुलिस वाले आए। पुलिस वाले वहां बैठे हुए थे कि इनको पीटो। जैसे ही वो आए मेरे पास, मैंने कि चलाइए झाड़ू और तुम्हारी जिंदगी का ये झाड़ू होगा चलाना। अगर मेरी बॉडी को तुम्हारा झाड़ू टच कर गया तो खून खराबा होगा। ऐसे देश में हम भी जीना नहीं चाहते, लेकिन हमको झाड़ू से पिटाई नहीं की। मेरे पास ऐसे लेकर के खड़े हुए, लेकिन मेरी बॉडी पे उन्होंने झाड़ू चलाया नहीं। ये अत्याचार वहां कई दिन चलता रहा, हम देखते रहे। एक दूसरे तीसरे दिन एक किराबली के नरेश पंडित जी थे, उनको बुरी तरह झाड़ू से पीटा गया। क्यों? उन्होंने उगाही नहीं दी। इस तरह से हुआ। उन्होंने कहा रामनाथ जी बहुत अत्याचार हो रहा, कुछ करिए। मेरे पिंजड़े में या धाड़ोगे ये लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मैंने को पहले भी मैं जेल में कई बार देख चुका हूं। बोला चलिए हाँ, मैं भी चलूंगा, अधीक्षक साहब के पास चलिएगा। मैंने अधीक्षक साहब के पास गया, कर्नल संजय थे मेरे वकील, उनको बुलाए। जैसे ही हम जेल में गए दोनों बात हुई अधीक्षक साहब से, लेकिन जेल अधीक्षक मिश्र जी का जो एटीट्यूड था ऐसा था कि उनकी हमें दबाया जाए वरना ये पूरी पोल खोल देंगे। लेकिन हमने कहा ये वाकया हुआ है, लेकिन उन्होंने उधर कोई एक्शन ले लिया उनके खिलाफ। कुछ लोग उस बैरक से दूसरी बैरकों में ट्रांसफर कर दिया गया। कोई एक्शन हमारे प्रति पूरी जेल के अधिकारियों का नजरिया बदल गया कि इसका इसमें काट के डाल दिया जाए। इस तरह से कुछ नहीं था। जेल के अंदर जैसे मिलाई करने के लिए लोग आते हैं तो अंदर पैसा लिया जाता है, फट्टे पे सोने का उसका पैसा लिया जाता है, मिलाई करने वालों का एक दिन 100 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 20 रुपए। और जैसे मिलाई करके आए तो जैसे ही गेट में अंदर घुसते हैं तो वहां पर इंस्पेक्टर खड़े हों जैसे और दरोगा लेवल के 2 स्टार वाले खड़े होते हैं, वो उगाही करते हैं 10-10 रुपए। एक तिवारी जी थे 2 स्टार वाले, उन्होंने 10-10 रुपए ले रहे थे। एक देख 1 स्टार वाला खड़ा था, वो भी 10-10 रुपए ले रहे थे। मेरे कि स्टैंडर्ड के भिखारी जेल में कहां से आ गए मेरे भगवान। अंदर गए फिर 100 रुपए देने पड़े, बोला 20 रुपए और दीजिए। कुल मिला करके वहां पर वो अत्याचार हो रहा है भारतवासियों के, देखने से अंदर ज्वालामुखी फटते हैं। इस अत्याचार को कब तक बर्दाश्त करेंगे? खाना ऐसा आता है कि आदमी की बात तो छोड़िए, तुम कुत्ते को डाल के देख लेना, कुत्ता नहीं खाएगा, पशु नहीं खाएगा उस खाने को। सब्जी में नमक नहीं, मिर्च नहीं, तेल नहीं, क्योंकि वहां सब्जी कैंटीन में बिकती है, दाल कैंटीन में बिकती है। अगर जेल का खाना अच्छा बन गया तो उनकी सब्जी दाल नहीं बिकेंगी, जलेबी समोसा पकौड़ा बटरफ्लाई बटर वगैरह कुछ भी नहीं बिकेगा वहां पर। उसे बेचने के लिए वो खाना थर्ड क्लास किसी क्लास में नहीं आता, वो ऐसा खाना वहां पर मिलता है। और कब भगवान न करे आप जेल में जाए
और आप जेल जाओगे तो जो लोग सोच रहे हैं ना ये झूठा था, आप जेल जाके देख लेना, आपको सारी चीजें मालूम लग जाएंगी। ये जिला जेल आगरा की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान की सारी जेलों में ऐसा हो रहा है। और जो लोग लाइन में लग के वोट डालने जाते हैं, जिनके अंडरवियर फटे हुए बनान में 15 शल हो रहे हैं, और उन लोगों के चूतड़ों की कुटाई हो रही है नोट निकालने के लिए और बाहर निकलने के लिए, आप जिंदाबाद करते हैं जिन नेताओं के लिए। अब पहले तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, जिनके लिए तुम जिंदाबाद कर रहे हो वो लोग असली नेता नहीं है, नकली है। अगर ये असली होते तो थाने में जेल में इस तरह से अत्याचार आज देश के अंदर नहीं होता। किसको नहीं पता है कि जेल में क्या हो रहा है, थाने में क्या हो रहा है? आइए मेरे पास, मैं तमाम लोगों की पोल खोल दूं, तुम जात तो बिठाइए लेकिन तुम लोगों को मेरी भाषा अच्छी इसलिए नहीं लग रही होगी कि तुम लोग झूठे बेईमान लुच्चे लफंगों को ये बात कभी अच्छी नहीं लगती होगी। सच्चा देशभक्त ईमानदार नेता को ये बात मेरी जरूर अच्छी लगोगी। तुम मंच पे होकर के बढ़िया कपड़े पहन करके गोल मटोल चेहरे वाले हो, तुम लोगों को उल्लू बना रहे हो, हम लोगों को उल्लू बना रहे हो, कब तक उल्लू बनाओगे? और शर्म करो तुम लोग आंखों में, तुम्हारी आंखों में शर्म का पानी मर गया है। एक दिन तुम भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, उगाई करने वाले ही मरेंगे। इस देश को पटरी पे ले आओ भले आदमी, इस देश को पटरी पे ले आओ, कब तक हम लोगों का खून चूसेंगे आप लोग? इस बात को मैं मानता हूं कि जेल में अगली बार मैं गिरफ्तार होऊंगा तो निश्चित तौर पर मेरे प्रति न जाने किस तरह का नजरिया होगा। क्या करेंगे आप लोग मेरे बकरे की तरह जेल में कटवा देंगे? एक रामनाथ को तुम जेल में कटवाओगे तो तमाम रामनाथ पैदा होने के लिए तैयार है, लेकिन कुत्ते की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन इंसान की जिंदगी देश में जी ली जाए। नौजवानों, तुम जिनके झंडा लेके चल रहे हो एक दिन जेल यात्रा करके आइएगा, और जो लोग जेल में अब तक जिंदगी बिता के आए हैं उनको पूछिए जेल में क्या हो रहा है। और कुछ नेता भी जेल में खूब गए बाहर आए पर जेल के खिलाफ बोलने के इनकी अम्मा बीमार हो जाती है। शर्म करो है? कुछ अधिकारी डीएम एसएसपी इंक्वायरी के लिए जाते हैं, चेकिंग के लिए जाते हैं, केवल ड्रामा करने के लिए जाते हैं जब कुर्सी पे होते हैं आप लोग, और जब किसी रिश्वत के मुकदमे में फंस जाते हैं, जब जेल में जाते हैं तो वो डीएम एसएसपी की आंखों से आंसू नहीं निकलते, उनके घुटनों से आंसू निकलते हैं। तो तुम लोगों को भगवान इस कुर्सी पर बिठाया हुआ है तो इस कुर्सी का सही इस्तेमाल करिए और इस व्यवस्था को सुधारिए, वरना एक दिन तुम भी जेल में जाके रोगे रोगे और फिर तुम्हारे आंसुओं को पहुंचने वाला कहीं नहीं होगा, तुम्हें वह पैसा देना पड़ेगा, होगा ही देनी पड़ेगी। आगरा से फरहान खान की रिपोर्ट में।